हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में बात करेंगे। ये हिंदी व्याकरण का पार्ट वन है, ऑल क्लास, सभी क्लासों के लिए। सबसे पहले जब हम हिंदी ग्रामर की बात करते हैं, अर्थात हिंदी व्याकरण की बात, तो हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है वर्णमाला के बारे में जानने की। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्णमाला को। वर्णमाला कहते किसे हैं? जिसे हम माला की जब बात करते हैं तो माला में क्या होता है कि फूल को एक क्रम में पिरोया जाता है, उसी प्रकार वर्णमाला भी है। वर्णमाला में क्या है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, इसके दो मुख्य भाग है स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है, जैसे अभी बात की गई स्वर और व्यंजन, तो स्वर क्या है, अब हम बात करेंगे स्वर की। तो आ से लेकर के अहा तक ये आपके स्वर कहलाते हैं, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि अंग और अहा ये दोनों आपके अयोगवा हैं, इनको स्वर में नहीं रखा जाता। तो इस प्रकार आपके स्वर की संख्या आ से लेकर औ तक 11 होती है। आगे बात करेंगे परिभाषा, स्वर की परिभाषा क्या है। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 है, कहां से कहां तक, आ से लेकर औ तक। अंग और अहा को अयोगवाह कहा जाता है, अंग और अहा को अयोगवाह कहा जाता है। अब हम आएंगे स्वरों का विभाजन। स्वर के बारे में तो हमने जान लिया कि स्वर क्या है, अब इसके कुछ पार्ट भी हैं, कुछ इसका विभाजन भी किया गया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। विभाजन क्या है, सबसे पहले हम मात्राओं के आधार पर विभाजित करते हैं स्वरों को। सबसे पहले हम मात्राओं के आधार पर विभाजित करते हैं। मात्राओं के आधार पर कैसे, क्या, तो इस आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। मात्राओं के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुस स्वर। अच्छा, मात्राओं का आधार क्या है, तो यहां हम आ लेते हैं, मार्कर नहीं क्लियर चल रहा है, आ। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुस स्वर, इसमें ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, प्लुस स्वर क्या है, आगे जानते हैं इसके बारे में। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ऐसे स्वर जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ और री, इनको बोलने में हमें कम समय लगता है। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगे वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी ई, बड़ा उ, ए और औ, आ, ई, उ, ए, औ। इसको जब हम बोलते हैं तो हम ये नोटिस करेंगे कि हमें ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। इसके बाद आता है प्लुस स्वर। प्लुस स्वर क्या है, तो अक्सर हम देखते हैं अपने घर में, गांव में, कि जब हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं तो वहां हम स्वर का उच्चारण कुछ ज्यादा देर के लिए करते हैं। प्लुस स्वर है क्या, इन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर का त्रिगुणा समय लगता है, और प्लुस स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से त्रिगुणा समय लगता है, जैसे राम, जैसे घर पे हम होते हैं और कोई बुला रहा हो हमें, मान लो आपका नाम ही राम है, तो जब कोई आपको आवाज देता तो बोलता है राम यहां आओ, थोड़ा लंबे समय तक उच्चारित करता है, तो उसको हम प्लुस स्वर कहते हैं। ये जो एस की तरह बना हुआ है ये इसका उच्चारण आ के टर्म में होता है और इसी को हम प्लुस स्वर बोलते हैं। दूसरा आपका आता है जीभ के प्रयोग के आधार पर, स्वरों को बोलने में हमारी जीभ जैसे प्रयोग की जाती है उसके आधार पर। इसमें हम देखते हैं इस आधार पर भी स्वर को तीन, स्वर के तीन प्रकार होते हैं। पहले भी आपको तीन प्रकार बताए गए और इस आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका है अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये जीभ के आधार पर हैं। अब अग्रस्वर, अग्रस्वर का अर्थ हुआ कि ऐसे स्वर जिनको बोलने में हमारे जीवा का अगला हिस्सा काम करे, जैसे अग्रस्वर में आता है छोटी, बड़ी, ए और आए, इसको हम बोलते हैं और बोलकर ट्राई करते हैं, ई, ई, ए, आए। तो इसको बोलने में हम नोटिस करेंगे कि हमारी जो जीभ है ये जीभ का अगला हिस्सा इन वर्णों को बोलने में प्रयोग होता है,
इसके बाद आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर में हमारी जीभ का मध्य हिस्सा काम करता है। जैसे बात करें आ, तो जब हम आ बोलते हैं तो हमारे जीभ का जो मध्य हिस्सा होता है वो काम करता है। फिर है आपका पश्च स्वर। पश्च स्वर में जीभ का पिछला हिस्सा काम करेगा, जिसमें बड़ा छोटा उ, बड़ा उ ओ और औ आता है। इसको बोलकर हम ट्राई करते हैं आ उ, उ, ओ, औ। अब तीसरा है मुख विवर, अर्थात मुख द्वार के आधार पर। जैसे जब हम वर्णों को बोलते हैं तो हमारा मुख कितना खुलता है, कैसे खुलता है, उसके आधार पर। तो इस आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं। मुख विवर के आधार पर भी स्वर चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? विवृत, अर्धवृत, अर्धसंवृत, संवृत। अब इसके बारे में बात करेंगे। विवृत क्या है, यह आपको समझने में थोड़ा कठिन महसूस होगा, लेकिन इसकी अगर हम बात करें, विवृत अर्थात ओपन, ओपन से आप समझ सकते हो, यानी खुला। क्या है विवृत? जिन स्वरों को बोलने में मुख पूरा खुल जाए, ऐसे स्वर जिनको बोलने में हमारा मुख पूरा का पूरा खुल जाए, वो आपके होते हैं विवृत। अब विवृत में क्या आता है? बड़ा आता है। जैसे हम बोलकर ट्राई करेंगे, आप लोग भी बोलकर को ट्राई करें। जैसे आ, जब हम आ बोलते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है, पूरा खुल जाता है। तो यह हो आपका विवृत स्वर हो गया। इसके बाद आता है अर्धविवृत, यानी हाफ ओपन, ऐसे वर्ड, ऐसे स्वर जिनको बोलने में हमारा मुंह आधा खुलता है। इसमें आपका आ गया आ, ए, औ। बोलकर हम ट्राई करें आ, ए, औ। इसमें आपका आधा मुंह खुलता है। फिर आता है अर्धसंवृत। अर्धसंवृत में, अर्धसंवृत अर्थात आपका जो मुंह है यह आधा बंद रहेगा। अब यहां देखना, कंफ्यूजन आपको होगी। अर्धविवृत यानी आधा खुलेगा और अर्धसंवृत यानी आधा बंद होगा। सुनने में आपको दोनों एक ही तरह लगता है, लेकिन नहीं, डिफरेंस है इसमें। अर्धसंवृत में आधा खुलेगा, जैसे ए ओ, ए ओ, ए और ओ। इसके बाद आता है संवृत, जिसमें हमें मुंह खोलने की विशेष आवश्यकता नहीं होती, अर्थात मुंह क्लोज। अब मुंह का मतलब एकदम ओठ नहीं क्लोज होंगे, मुंह आपका उस प्रकार नहीं खुलेगा जैसे ऊपर के स्वरों में खुलता था। यहां देखते हैं समृद्ध में ई, ए, ओ, ओ, छोटी बड़ी, छोटा और बड़ा, इस प्रकार से हैं। अभी स्वर के बारे में और भी बहुत विवेचना बाकी है, जिसका जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। होमवर्क आपका यह है कि आप इसको नोट डाउन करके अच्छे से प्रिपेयर करें। धन्यवाद।